मैम। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कोएगुलेशन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ऑफ ब्लड, हमारा लिम्फ वाला पार्ट भी रहता था ना बेटा। यो मैम। आज का हमारा टारगेट क्या लेगा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम एक तो लिम्फ खत्म करेंगे, ठीक है, हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी करेंगे, और हम एक छोटा फ्लो चार्ट भी बनाएंगे। जो कल हमने इंफॉर्मेशन ली है ना, आज बच्चों ने सबने अपना होमवर्क कर लिया होगा आई अज्यूम, ठीक है। तो जिन बच्चों ने होमवर्क कर लिया उनके साथ मिलके विल मेक द फ्लो चार्ट, एंड लास्ट में इफ वी गेट टाइम वी गो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आई एम नॉट श्योर इतना टाइम बचेगा या नहीं, बट फॉर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हम फिर करेंगे, अदरवाइज हम कल उसको करेंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं क्लॉटिंग ऑफ हार्ट, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो ये 4 मार्क्स होल्ड करता है। अगर आप लिम्फ की बात करो तो ये लिम्फ और ब्लड से ना कंपेयर होकर क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं इसको 4 मार्क तो नहीं कह सकती। जो फ्लो चार्ट मैं कराने वाली हूँ उसकी इंपॉर्टेंस है 4 मार्क्स, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उससे हम टोटल 8 मार्क्स का पेपर कवर करने वाले हैं। ओके जी, स्टार्ट करो, यस मैम। ठीक है। सो आई विल सेंड यू द असाइनमेंट ऑल्सो, उसको कर लेना, क्वेश्चंस लगा लेना। एक्चुअली इस पार्ट से ना बहुत क्वेश्चंस नहीं है पीवाईक्यूज में, तो इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेके नहीं आ पाई, राइट। सो डोंट वरी, आई विल सेंड यू अदर क्वेश्चंस, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट हम लोग जब लास्ट तक पहुंचेंगे चैप्टर के हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके होंगे, ठीक है। ओके देखो लिम्फ क्या होता है, देखो जो तो ब्लड है, जैसे कट लगता है तो ब्लड बाहर निकलता है ना, तो जो ब्लड हमारा बाहर निकलता है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, पहले फ्लो चार्ट से स्टार्ट करती हूँ, कि जो ब्लड हमारा बाहर निकलता है कहाँ गया, यहाँ पे आता है, ठीक है। सब इधर देखो, इस वाले पे दिख रहा है मेरा पॉइंटर, जो ब्लड बाहर निकलता है उसमें होते हैं ब्लड के सेल्स और प्लाज्मा, दो चीजें होती है। अब अगर ब्लड है, 100% ब्लड है मेरे हाथों में, 100% ब्लड है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो ये कहती है एनसीईआरटी कि 40-45% इसके अंदर ब्लड के सेल्स हैं और 55% प्लाज्मा है, यानी कि लिक्विड पार्ट ज्यादा है, प्लाज्मा ज्यादा है। ये बात क्लियर हुई? इसमें इम्पोर्टेंट क्या है बेटा, इसमें इम्पोर्टेंट कॉम्पोजिशन है, कितने परसेंट, क्योंकि एनसीईआरटी ने डायरेक्ट लिखी है। अब अगर मैं ब्लड के सेल्स की बात कर रही हूँ तो कौन कौन से सेल्स की बात कर रही हूँ, आरबीसी एंड आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, राइट। यो इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। अगर मैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की बात कर रही हूँ, तो आरबीसी एरिथ्रोसाइड है, 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब आपके ब्लड में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो कल हमने करे थे 1 ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट को हम कौन से कार्टून से याद करते हैं, बेन टेन से, है ना। और प्लेटलेट्स आज हम देखेंगे प्लेटलेट्स कैसे बनते हैं और ये कैसे ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा से एक क्वेश्चन बनता है, नीट में ये आता है, ये लाइन है एनसीईआरटी की, ये वाला पार्ट से, ठीक है। तो 4 मार्क का ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब प्लाज्मा मेनली किससे बना होता है, 90 to 92%, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ, इट इज 90 से 92% प्लाज्मा में होता क्या है, पानी। तो बची हुई कॉम्पोजिशन होती है प्रोटीन की और कुछ आयंस भी होते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल आयंस में अगर लिख दू तो आयंस वुड बी, सुने होंगे आपने, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड सो बाइकार्बोनेट आयन, वो भी होते हैं, राइट। तो मेनली इसके अंदर पानी होता है और प्रोटीन और आयंस। अब जो प्रोटीन होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं, कितने, 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, 3 टाइप के। तो जब अंडा खाते हैं तो अंडे के अंदर कौन सा प्रोटीन मिलता है, एक एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। वो हमारे प्लाज्मा में भी मिलता है। देखो तुमको याद क्या करना है, कौन सी चीज कहाँ मिलती है, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर तुमको ये प्रोटीन्स मिल रहे हैं, राइट। उसको लिम्फ में मत डाल देना, इस चीज को बहुत क्लियर करके चलना अपने माइंड में। लिम्फ एक अलग चीज है, प्लाज्मा और ब्लड एक साथ पड़ा है, लिम्फ एक अलग चीज है, दोनों को अलग रखना। प्लाज्मा और लिम्फ में कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो लिम्फ इज एसोसिएटेड विद तुम्हारे इम्यून सेल्स, लेकिन जो प्लाज्मा है उसकी अलग चीज है, वो यहाँ पर बात कर रही हूँ मैं आपसे, जो ब्लड में मिक्स है, 100 करल का मटेरियल होता है। तो देखो प्लाज्मा में 3 टाइप के प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन, दिख रहे हैं आपको, ठीक है। पहले तो यही याद रखना। अब इसका मैंने फ्लो चार्ट बना लिया, सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। देखो एल्ब्यूमिन दिख रहा है सबको, अंडे वाला, है ना। अंडे वाला प्रोटीन कैसा, सबसे छोटू प्रोटीन है, ठीक है। ओवरऑल प्लाज्मा के अंदर अगर इसकी कॉम्पोजिशन बोलूं तो कितनी कॉम्पोजिशन है, प्रोटीन की ओवरऑल कॉम्पोजिशन खुद ही 6 to 8% है,
इस 6 to 8% में भी एल्ब्यूमिन सिर्फ 7% मिलेगा। कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है, ये कहां पर बनता है? तो ये जो अंडा है वो कहां बनता है? लिवर में। मेन प्रोटीन आपके लिवर में ही बनते हैं, ठीक है? तो ये भी लिवर में बन रहा है, ये भी लिवर में बन रहा है, राइट? सो आपका जो ये एल्ब्यूमिन है वो कहां बन रहा है? लिवर में। और एक काम क्या करता है, मैंने आपको कल बताया था, ये एक काम करता है, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन, आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखना। नीट ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है, समझ गई बात? अब दूसरा प्रोटीन आता है ग्लोबुलिन। बेटा ग्लोबुलिन प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पड़ा है, इस ग्लोबुलिन की मदद से आपकी एंटीबॉडीज बनती है, ठीक है? तो अब देखो ग्लोबुलिन अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन, एक होता है हमारे पास बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन, और एक हमारे पास होता है गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है? यो यो मैम, अब बड़े अच्छे से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन कहाँ बनते हैं? दे आर फॉर्म इन लिवर। लेकिन गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन कहाँ पे बनेगा आपका? इट इज फॉर्म बाय बी सेल्स। याद है आपको बी सेल्स, ये बनाते थे ना एंटीबॉडीज, तो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन की मदद से एंटीबॉडी बनती है, ठीक है? और ये ब्लड अगर मैं बात करूं प्लाज्मा में कितने हैं, तो देखो एल्ब्यूमिन जो सबसे छोटा है ना प्रोटीन, उसका कॉम्पोजिशन ज्यादा है। ग्लोबुलिन एल्ब्यूमिन से छोटा है, तो उसकी कॉम्पोजिशन 2.4 है, कंपेरेटिवली कम है, ये बात समझे? कंपेयर करके याद रखना इसको। अबे सुन रहे हो, सो गए? Yes, अभी लिखने का मत करो, लिखने के लिए प्रेजेंटेशन भेज दूंगी, पहले मेरी सुन लो, सुनने के तरीके से याद हो जाएगा, ये याद नहीं होगा अदरवाइज। अब एक और प्रोटीन होता है फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, आपने ये क्लोटिंग में सुना भी होगा। ये लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन है, लार्जेस्ट मतलब साइज की बात हो रही है, ठीक है? तो एल्ब्यूमिन छोटू था ना साइज में, इस वजह से उसका कॉम्पोजिशन ज्यादा थी, ये लार्जेस्ट है साइज में, इसकी कॉम्पोजिशन सबसे कम है, याद रह जाएगी? यो यो मैम, इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है? ये भी लीवर में बनता है और ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ठीक है? तो ये प्लाज्मा में 3 प्रोटीन है, एनसीईआरटी में मेंशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लाज्मा से क्वेश्चन अगर बनता है तो कॉम्पोजिशन में बनता है कि उसकी कितनी कॉम्पोजिशन है और वो किस कलर का है, एंड देन उसके प्रोटीन के ऊपर। क्लियर सबको? यो यो मैम। विद दिस हमारा जो ये वाला पार्ट था फ्लो चार्ट का, वो यहाँ खत्म होता है। अब वापस आते हैं, एक बार ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा खत्म हो गया हमारा। यो यो मैम, आरबीसी जनरल फीचर है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, मैंने कल बताया था आपको, है ना? आरबीसी का पार्ट भी उसमें कवर हो जाता है, डब्ल्यूबीसी का पार्ट भी हमने कल कवर करा था, बेन 10 लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट्स। अब बचते हैं प्लेटलेट्स, तो थोड़ा सा प्लेटलेट्स की बात कर ले। देख बेटा प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स बनती है आपकी बोन मैरो में ही है, ठीक है? तो कहाँ बनती है? अडल्ट रेड, ओ मैंने रेड को रेप लिख दिया, रेड बोन मैरो बनती वही है। थोड़ा सा अमाउंट इसका आपके लिवर में भी बनता है, ठीक है जी? पर उसको यहाँ मेंशन नहीं करते, ये मेन पार्ट को मेंशन करता है। तो अडल्ट बोन रेड बोन मैरो के अंदर ये बनती है। अब होता क्या है, एक प्रिकर्सर सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स को बनाने के लिए, जिनको हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। तो ये है क्या मेगा कैरियोसाइट? प्रिकर्सर सेल्स है। प्रिकर्सर मतलब स्पेशल? नहीं बेटा, प्रिकर्सर मतलब स्टार्टिंग मटीरियल, ठीक है? स्टार्टिंग मटीरियल, जैसे जगह को चाय बनाने तो चाय पत्ती चाहिए, यो यो मैम, ये दूध चाहिए, पानी चाहिए, तो वो सारे के सारे प्रिकर्सर्स है, उन्हीं की मदद से आगे तो चाय बना पाएगी ना, यो यो। तो प्रिकर्सर्स आर द स्टार्टिंग मटेरियल जो आगे मॉडिफाई करके चेंज करके आपका मेन कंटेंट बनाएगा। तो मेगा कैरियोसाइट बनते हैं, देखो बड़े बड़े सेल है, ये साइज में बहुत इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज इन साइज, तो मैं इसको लिख देती हूँ, ठीक है? आपको ज्यादा डिटेल में नहीं डालना क्योंकि ये बहुत एडवांस टाइप की सिग्नलिंग होती है सेल में, जो इसको एक्सप्लेन करती है। आपको जितना जानना है वो बता रही हूँ, दैट दे इंक्रीज इन साइज। जब ये साइज में इंक्रीज होते बहुत बड़े हो जाते हैं, देन व्हाट दे डू इज दे ब्रेक, क्या हो जाएंगे? ब्रेक। जब ये ब्रेक होता है ना, तो ये छोटू छोटू से सेल्स बना देते हैं, छोटे छोटे से टूटे हुए सेल बनाते हैं। सेल तो टूट गया ना, मेन सेल, तो जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर बने हैं, दीज आर नोन एज प्लेटलेट्स। हाँ, तो प्लेटलेट्स कोई प्रॉपर सेल नहीं होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, समझ गई बात? प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं क्लोटिंग में? बिकॉज प्लेटलेट्स रिलीज समथिंग। तो प्लेटलेट्स क्या रिलीज करते हैं? दे रिलीज अ केमिकल नोन एज थ्रोम्बोप्लास्टिन।
याद रखना थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये LASTIN है, ठीक है। तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ना, ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझ गई बात मैम? जो मेगाकेरियोसाइट्स है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते हैं? हाँ, पहले बहुत सारा साइज अपना इंक्रीज करते हैं, उसके बाद वो ब्रेक हो जाते हैं, एक टाइम तक इंक्रीज करेंगे और फिर टूट जाएंगे। यस मैम। ठीक है बेटा, मेरा इंटरनेट हो सकता है फोन से ही चल रहा है अभी भी, तो अगर बीच में अगर बफर हो तो घबराना मत, ओके? यो यो मैम। ठीक है, डन। सो दिस इज हाउ द प्लेटलेट्स आर फॉर्म। अब मेरे को बताओ सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन बॉडी में किसकी होती है? आरबीसी की होती है, WBC की होती है, प्लेटलेट्स की होती है? नहीं बेटा, आरबीसी। फिर होते हैं हमारे पास WBC, प्लेटलेट। नहीं बेटा, प्लेटलेट्स। फिर होते हैं हमारे पास WBCs। WBCs का अमाउंट रहता है थाउजेंड्स में, इसका अमाउंट रहता है लैक्स में, ठीक है। 1,50,000 से थोड़ा ऊपर रहता है, और इसका लैक्स रहता है मिलियन, काफी ज्यादा, 5 to 5.5 million पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। ये याद रखना, सबको कंफ्यूजन हो जाती है, प्लेटलेट्स एंड में लिख देते हैं, एक्चुअली प्लेटलेट्स आर मोर देन WBCs। वैरायटी WBC की सबसे ज्यादा होती है, लेकिन अमाउंट के सेंस में बात कर रही हूँ मैं, ओके? तो ये अपनी नॉलेज के लिए। डन। यो मैम। अब देखो, प्लाज्मा के बारे में एक बड़ी ऐसी बात बता देती हूँ जाने से पहले, कि प्लाज्मा में आयंस बोले थे मैंने, आयंस होते हैं ना, प्लाज्मा किस किस से बना है? पानी से, आयन से और प्रोटीन से। कौन से तीन प्रोटीन मिलते हैं प्लाज्मा में? ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजेन। वेरी गुड, गुड गुड, राइट। तो आयंस में आपके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा अमाउंट का कौन सा आयन मिलता है? तो द मैक्सिमम अमाउंट कौन से आयन का मिलता है आपको? क्लोरीन, फिब्रिनोजेन। मैक्सिमम अमाउंट आपको इसका मिलता है, ठीक है। और मिनिमम किसका मिलता है? मैग्नीशियम। मैंगनीज नहीं है ये, वो एमन होता है, ये मैग्नीशियम है मिनिमम। ये ना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो सेल्स होते हैं ना, सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में सबसे ज्यादा, सेल के इंट्रा सेलुलर फ्लूड में सबसे ज्यादा आयन कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम की होती है, ठीक है। तो इससे कन्फ्यूजन हो सकते हैं, ये तुमसे प्लाज्मा पूछ रहा है, ये तुमसे सेल नहीं पूछ रहा। अगर मैं एक सेल बनाती ना, ध्यान से सुनना, अगर मैं एक सेल बनाती तो अंदर की तरफ सबसे ज्यादा पोटेशियम आयन मिलता है एक सेल के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम। और बाहर वाले फ्लूड में अगर मैं कह देती हूँ तो सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो नीट क्वेश्चन क्या पूछता है कि सेल के अंदर आपको कौन सा आयन ज्यादा मिलता है, देन द आंसर इज पोटेशियम आयन। लेकिन अगर वो पूछ रहा है ना प्लाज्मा में आयन कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है, तो क्लोरीन की ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी, ओके? यो मैम। तो मेक श्योर कि ये ना गलत करके है। अब चले हम लोग लिम्फ की तरफ। यो मैम। देखो यो मैम, तो हमने करना था फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट सा डन, इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। इसको आराम से बैठ के एक बार पढ़ना, अच्छे से खुद से पढ़ना, तुमको और समझ आएगा। अब हम लिम्फ की तरफ चलते हैं। तो लिम्फ होता क्या है मैम? विदाउट ब्लड होता है। विदाउट ब्लड होता है, जब तू ब्लड ऑफ ब्लड बोलती है तो उसका मतलब क्या होता है मैम? वो कलरलेस फ्लूड होता है। कलरलेस फ्लूड होता है। ब्लड और इसमें फर्क क्या है मैम? ब्लड में आरबीसी नहीं होते। ब्लड में आरबीसी नहीं होते, कहाँ होते फिर? ब्लड में आरबीसी होते, लिम्फ में आरबीसी और जो मैक्रोमोलेक्यूल्स वो नहीं होते। हाँ, शाबाश। जो ब्लड होता है मेरे पास, ये मेरी ब्लड वेसल है। अभी तुम अपना हाथ देखो, एक सेकंड के लिए कैमरा ऑन करते हैं। अभी तुम अपना बाजू देखो ऐसे, तो यहाँ पर तुमको नसें दिख रही है? यो यो मैम। इनके अंदर ब्लड होगा ना? यो मैम। जो लिम्फ होगा ना, वो लिम्फेटिक वेसल्स है, वो आगे पीछे होंगी, लेकिन वो तुमको दिखाई नहीं दे रही है, ओके? दैट इज अ डिफरेंट वेसल। तो मैं तुमको जो लिम्फ बना रही हूँ, बता रही हूँ ना, वो अलग वेसल्स में जा रहा है, इसमें नहीं मिलता, ठीक है? याद रहेगा मैम, है ना? यो लिम्फ, लिम्फ इज अ येलो कलर का लिक्विड होता है, थोड़ा येलोइश सा लिक्विड होता है। इसमें WBCs होते हैं, स्पेशली लिम्फोसाइट। लिम्फो मतलब कौन से सेल्स की बात कर रही हूँ मैं? इनमें कोई आरबीसी नहीं होती, इसलिए येलोइश कलर है ना। आरबीसी होती तो ये तुमको रेड नहीं दिखते,
ऑक्सीजन और ग्लूकोज इनमें प्रेजेंट होती है, ध्यान से याद रखना, ऑक्सीजन गैसेस से चेंज में ये बहुत मदद करते हैं, ऑक्सीजन इनमें प्रेजेंट होती है, ग्लूकोज भी इनमें प्रेजेंट होती है, बहुत छोटे साइज के प्रोटीन होते हैं, लार्ज साइज के प्रोटीन इनमें एबसेंट होते हैं, ठीक है, मैक्रो प्रोटीन आर एबसेंट, क्लियर, एबसेंट होते हैं। कल मैंने आपको लिखवाया था ना लिम्फ इक्वल्स टू ब्लड माइनस क्या क्या लिखवाया था बताओ, आरबीसी प्लेटलेट्स RBCs, platelets and macroproteins, right? जो ये मैम, ये मैम। अब बात करते कि यार बनते कैसे? देखो, यहाँ पे करा देता। वो छोटी सी बात है, ज्यादा दिमाग खर्ची नहीं करनी इसके ऊपर, ठीक है? तो ये मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये है हमारा टिश्यू, ओके? ऐसे बना लेते टिश्यू, सिंपल डब्बा, इजी टू अंडरस्टैंड। दिस इज माई टिश्यू, टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, चाहता है रिलीज हो जाए बाहर, ब्लड में चली जाए, चाहता है ना? यस मैम। तो होता है क्या, सबसे पहले वेसल आती है, ब्लड वेसल, ठीक है, जो ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड लेकर आते हैं, इसको आप बुलाते हैं आर्टरी, ठीक है, आर्टरी बहुत बड़ी है तो आर्टरी क्या करती है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इसको आप क्या बुलाते हैं, अब ये आर्टेरियोल्स माइक्रोस्कोपिक हो जाएगी बेटा, तो देख नहीं पाएगी आंखों से, इतनी छोटी हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर को अपना क्या बुलाते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होता है, कैपिलरी की खासियत क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक है, लिख लो ऊपर माइक्रोस्कोपिक, ब्लड इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे, ठीक है, अब कैपिलरी इतनी पतली होती है कि ये क्या करेगी, यहाँ से ऑक्सीजन एंटर करेगा टिश्यू में, और टिश्यू से ये ले लेगी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, यानी कि खून गंदा हो गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिच, तो अभी आगे जाके खुलेगा, अभी आगे जाके किसमें खुलेगा, ध्यान से सुनेंगे, ये आगे जाके ओपन होगा थोड़ी सी मोटी वाली पाइप में, तो जो मोटी वाली पाइप है उनका नाम वे, तो थोड़ी मोटी है, दीज आर नोन एज विनियोल्स, और विनियोल जाके जाके थोड़ी और मोटी पाइप में खुल जाती है, विच इज नोन एज वेन्स, तो दिस इज हाउ आर्टरीज एंड वेन आर कनेक्टेड, कुछ नहीं होता, डायमीटर के डिफरेंस पे हम उनका नाम और स्ट्रक्चर बदल देते हैं, समझ आई बात, कैपिलरी दोनों दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी, ठीक है, इन्हीं की मॉडिफिकेशन से कैपिलरी बनती है, क्लियर आपको, आपको समझ आया ना ब्लड कैसे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपको अच्छे से समझ आ रहा है, यो यो मैम, मैं ये लिख देती हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, मैम ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड आर्टरी से आ रहा है तो ये मिक्स नहीं हो जा रहा, मिक्स कहाँ हुआ मैम, वेन में, आर्टरी से आया ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो जब वो टिश्यू के ऊपर से जाता है ना, तो देख टिश्यू के ऊपर से जाते हुए उसने क्या किया है, ऑक्सीजन उसने टिश्यू को दे दिया और उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो अब जब ब्लड आगे जा रहा है ना, दिस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, यस मैम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, यो 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 मैम, तो इसमें लिम्फ कहाँ बना, लिम्फ तो बनाया नहीं मैंने, नहीं बनाया ना, नो मैम, तो अब हम इसमें लिम्फ बनाएंगे कि लिम्फ कैसे बनता है, देखो जब ब्लड मूव करता है ना, बहुत प्रेशर से मूव करता है, कभी जैसे हैंकी होता है ना, हैंकी व्हाइट कलर का हैंकी, यस है ना, हैंकी चीज भी कुछ मत करो, वह हैंकी लो और दिख रही हूँ, वह हैंकी लो और उस हैंकी के ऊपर तुम कोई भी जैसे करो पनीर डाल दो, ठीक है, थोड़ा सा पनीर डाल दो, फिर उस हैंकी को ऐसे दबाओ, तो थोड़ा थोड़ा लिक्विड बाहर निकल जाएगा ना, तो क्या होता है, कोई भी चीज जब प्रेशर से मूव करती है ना, तो थोड़ा थोड़ा चीजें वो बाहर को फेंक देती है, जब भी कोई चीज प्रेशर से मूव करती है, अगर तुम ऐसे मान लो कि गाड़ी है बहुत जोर से किसी रोड से जा रही है, ठीक है, तो जब गाड़ी बहुत जोर से रोड से जाएगी ना, तो रोड को टच करके देखना वो गर्म हो जाएगी, उसने हीट छोड़ दी ना बाहर की तरफ, ऐसा होता है, टच करके देखना इसको, ऐसे करके ऐसे हाथ रगड़ के देख लो, थोड़ी हीट जनरेट होती है, बाहर की तरफ निकली ना हीट, एक्सोथर्मिक, उसी तरीके से जब कैपिलरी से ब्लड मूव करता है ना, तो कैपिलरी के ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कुछ भी परफेक्ट तो नहीं है ना, कैपिलरी इज व्हाट, सेल्स की पतली सी लेयर से बनी है,
एक ही सेल की लेयर से बनी होती है कैपिलरी, तो दो सेल्स के बीच में थोड़ा गैप तो होता ही है ना, तो जब ब्लड मूव करता है ना कैपिलरी से, तो थोड़ा थोड़ा लिक्विड बाहर की तरफ लीक हो जाता है, ठीक है। तो कैपिलरी से ब्लड जा रहा है, टिश्यू है ये, देखो ये टिश्यू है, इसके ऊपर कैपिलरी लगी है, तो कैपिलरी से ब्लड जा रहा है और थोड़ा थोड़ा लिक्विड बाहर की तरफ रिलीज हो रहा है टुवर्ड्स द टिश्यू। ये बात समझ आई? इसी बात को हम यहां देखते हैं। देखो दिस इज अ टिश्यू, ये डायग्राम ध्यान से देखना, यहां से आ रहा है ब्लड, तो दिस वुड बी क्या, आर्टरी बोलूं या वेन? आर्टरी। तो आर्टरी से वो ब्लड आया और ये मैंने आपको कुछ नहीं बनाई, ये मैंने कैपिलरी बनाई है, ठीक है। तो जब ब्लड यहाँ से मूव करेगा ना, तो थोड़ा थोड़ा लिक्विड पार्ट बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ब्लड रेड कलर का होता है, लेकिन जो बाहर निकाल रहा हूँ वो थोड़ा येलोइश कलर का है, क्यों? क्योंकि आरबीसी का साइज तो बड़ा है, तो वो तो बाहर नहीं निकल पाएगी, लेकिन कुछ पार्ट बाहर निकल जाएगा। तो जो पार्ट बाहर को निकलता है ये टिश्यूज के और कैपिलरी के बीच में, इसको आप बुलाते हैं, क्योंकि ये टिश्यू और कैपिलरी के बीच में है, इसलिए हम इस लिक्विड को बुलाते हैं इंटर, मतलब बीच में, स्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो आपको किसके बीच में मिलता है, बिटवीन कैपिलरी एंड टिश्यू, जिसमें टिश्यू से वो जा रहा है, ठीक है। इसी की मदद से गैसेस एक्सचेंज होता है यार, ऑक्सीजन कैसे इधर से उधर जा रही है, वो ना ऐसी डिजोल्व होकर जाती है, तो यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू वो डिजोल्व होकर अंदर चली जाएगी ऑक्सीजन, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आएगी, ठीक है जी। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन गया, यस मैम। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर क्या नहीं होगा, इसके अंदर क्या नहीं है, नो आरबीसी, आरबीसी नहीं है इसमें, नो प्लेटलेट्स भी नहीं है इसमें, और नो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, ये नहीं है इनमें, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे आपको लिम्फोसाइट्स मिल जाएंगे, ठीक है, इम्यून सेल्स प्रेजेंट, क्लियर। अब देखो अगर ब्लड, अब ब्लड में से अगर ये लिक्विड पार्ट निकल गया, तो ब्लड में लिक्विड कम हो गया ना, अगर ब्लड में ऐसे लिक्विड कम होता रहे तो ऐसे टाइम नहीं आएगा कि ब्लड सूख ही जाएगा, टेक्निकली ये होगा तो प्लाज्मा जैसे ही ना, ज्यादा फर्क तो नहीं होगा इसमें प्लाज्मा में, है ना, सारा प्लाज्मा निकाल दूंगे तो वो तो सूख जाएगा, दैट मींस बॉडी में दोबारा से इस लिक्विड को ब्लड के अंदर जाना पड़ेगा, इसलिए लिम्फ वेसल्स बनती है। तो अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ मैं, देखो कैपिलरीज थी, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड था, अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ इकट्ठा हो गया, इसने गैसेस एक्सचेंज करना था, इसने करा लिया है, लेकिन अब इसको वापस जाना है, तो वापस जाने के लिए क्या करते हैं, ये दूसरी वेसल में एंटर करते हैं, कैपिलरीज में दोबारा एंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो ये दूसरी वेसल्स में एंटर करता है, तो लिम्फ जिन वेसल्स में, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जिस वेसल में एंटर करता है, इस वेसल को हम बुलाते हैं लिम्फैटिक वेसल, ध्यान से सुनो, लिम्फैटिक वेसल, और लिम्फैटिक वेसल में आके ये जो लिम्फ है, सॉरी लिम्फैटिक वेसल में आके जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसको अपन क्या बुलाने लग जाएंगे, लिम्फ, सम अप करूं इसको क्या बोल रही हूं मैं, यो यो मैम, नॉर्मल नॉर्मल लैंग्वेज में करूं, सबको समझ आए, हिंदी में बोलूं, यो यो मैम, देखो तो सबसे पहले क्या हुआ, पहले अपनी लैंग्वेज में पढ़ते, ठीक है, पहले कैपिलरी से जो ब्लड था, उसका लिक्विड बाहर निकल के आ गया बिटवीन कैपिलरीज एंड टिश्यूज। सेकंड पॉइंट, इस लिक्विड को हम क्या बुलाते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वापस जाना है ब्लड में मिक्स होने, ठीक है, बट ये कैपिलरी में एंटर नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर कर जाएगा किसमें, इनटू लिम्फ वॉइड वेसल, ये लिम्फ वेसल्स है, ठीक है, लिम्फ वेसल्स, ध्यान से सुनना भी है, जैसे ही
जैसे ही इंटरस्टीशियल फ्लूइड एंटर कर गया लिम्फ वेसल में, वेसल्स में, इसका नेम चेंज कर दो, अब ये क्या कहलाएगा? लिम्फ। नाउ इट इज कॉल्ड लिम्फ, राइट? अब क्या होगा? लिम्फ वेसल्स में लिम्फ ट्रेवल करेगा वाई लिम्फ नोड्स एंड अगेन एंटर्स ब्लड सर्कुलेशन। लास्ट लाइन समझाऊंगी, ठीक है? इतना समझ आया क्या हुआ अभी तक? यो यो मैम। ठीक है, अब देखो, तो इंटरस्टीशियल फ्लूइड है, लिम्फ के अंदर एंटर कर गया, कहाँ लिम्फ? ये देखो लिम्फेटिक कैपिलरीज है ना, पतली पतली कैपिलरी होगी, फिर लिम्फेटिक पूरी वेसल बन गई, तो ऐसे ये लिम्फ के अंदर एंटर कर गया। अब लिम्फ का क्या कॉन्सेप्ट है, लिम्फ वेसल्स का? देखो, जो लिम्फ वेसल्स होती है ना आपकी बॉडी में, जैसे मान लो ये बच्चा हमारा प्यारा सा, आपकी बॉडी में हर जगह लिम्फ बन रहा है, कोई डाउट नहीं है उसमें। ब्लड वेसल्स अलग है, लिम्फ वेसल्स अलग है, तो आपकी बॉडी में लेट से हर जगह ये लिम्फेटिक वेसल्स है, तो ये लिम्फेटिक वेसल ना आपकी पूरी बॉडी से लिम्फ लेकर आएगी, फेस से भी लाएगी, आपके पैरों से भी ला रही है, सब जगह से ला रही है। और बीच बीच में ना एक जगह पे ये थोड़ा सा रुक के जाती है, ये जगह को हम बुलाते हैं ऐसे गोलू गोलू से होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट की तरफ ज्यादा होते हैं, दिस नोन एज लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स ना छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, जहां पर क्या होता है, एंड आपके लिम्फोसाइट्स पड़े होते हैं। कौन पड़े होते हैं? बी एंड टी सेल्स प्रेजेंट हियर। तो यहाँ पर आपके लिम्फोसाइट्स पड़े होते हैं, ये पता क्या करते हैं, जब आपका लिम्फ यहाँ से क्रॉस करता है ना, उसके साथ कोई भी पैथोजन आता है उसको मारने का काम करते हैं। तो तुम समझ रहे हो, लिम्फ वापस जाते जाते रास्ते में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, समझे? ओके, तो जैसे लिम्फ यहाँ से जाएगा, पैथोजन को बी एंड टी सेल्स मारते चले जाएंगे, फाइनली लिम्फ को ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करना है, मतलब आपके हार्ट में एंटर करना है ना, तो आपके कंधे की तरफ से दो वेन्स आती है बड़ी बड़ी सी, नेम नहीं बता रही मैं अभी, जरूरत नहीं है, यहाँ पर आती है, वो सारा का सारा लिम्फ आपके हार्ट में दे जाती है। तो बेसिकली तुम्हारे सर से लेकर पैर तक जितना भी लिम्फ बना है ना, वो वापस से तुम्हारे हार्ट में आ जाता है, लेकिन आने से पहले वो तुम्हारी बॉडी में सर्कुलेट होता है और लिम्फ नोड पे जाके पैथोजन को मारता रहता है, इसलिए आपकी बॉडी में लिम्फ बनता है, ताकि वो पैथोजन को किल कर सके और बाकी नॉर्मल सर्कुलेशन में वापस भी आ जाए, समझ आई? पक्का समझ आई? सो गई? लिम्फ फॉर्मेशन यहाँ लिखा है, तो देखो जो लिम्फ होते हैं ये लिम्फ नोड्स होते हैं, आपने सुना होगा लिम्फ नोड, तो लिम्फ वेसल एंड लिम्फ नोड अलग है, वेसल का मतलब है पाइप, और लिम्फ नोड्स वो छोटे छोटे स्वेलन स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट रहते हैं। तो हम बोलते हैं ना बी सेल और टी सेल लड़ाई करते हैं, अगर कोविड का वायरस भी था ना, तो उसको उठा के लेके जाया गया होता लिम्फ नोड में, और वहां पे जाके उसकी पिटाई हो रही थी, समझ आई बात? बहुत अबंडेंट अमाउंट में पूरी बॉडी में होते हैं ये लिम्फ नोड्स, लेकिन ज्यादा आपको आपके प्राइवेट पार्ट के पास और आपके आर्म्स के नीचे इस इन एरियाज में आपको ये ज्यादा मिलते हैं। ओके, यो यो मैम, क्लियर सबको लिम्फ का कॉन्सेप्ट? यो यो मैम, वापस आते हैं एक बार तो देख लेते हैं, लिम्फ पढ़ा हमने, फ्लो चार्ट पढ़ लिया हमने, ठीक है? तो मेरे को कौन बताएगा कि प्लाज्मा में कितने प्रोटीन्स होते हैं? तीन। नाम? तीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। ठीक है, अब मोस्ट अबंडेंट कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन। और लीस्ट अबंडेंट? ग्लोबुलिन। बेटा लीस्ट अबंडेंट फिब्रिनोजन। और कौन सा आयन सबसे ज्यादा मिलता है आपको प्लाज्मा में? क्लोरीन। जो लिम्फ होता है, अच्छा, जब कैपिलरी से ब्लड फ्लो करता है तो एक लिक्विड बाहर निकलता है, उस लिक्विड को क्या बुलाते हैं? इंटरस्टीशियल फ्लूइड। इंटरस्टीशियल फ्लूइड जब लिम्फेटिक कैपिलरी में एंटर कर जाएगा तो क्या बुलाऊंगी? लिम्फ। गुड, अब चले आपका ब्लड क्लॉटिंग। यस, बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की। मैंने छोटू सा चार्ट बना रखा है, इसमें बहुत इजी है, इसी से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तो सब कुछ छोड़ दो कॉपी, ठीक है? 10 मिनट का टॉपिक है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ओके, करा दूं?
सब कॉपी छोड़ दो, उसके बाद आराम से बैठ के उसको कर लोगे, इसमें कुछ है नहीं खास। ये क्या हो गया? अच्छा एक ही में हो गया, ठीक है यहीं कर लेते हैं। एक मिनट यार, रियाज बैक में बहुत दर्द हो रही है। देखो ये हाथ है किसी का, यहाँ पर होगी इसको इंजरी, ठीक है? सबको पॉइंटर दिख रहा है मेरा, यो इतने बच्चे मेरे क्लास में, वी हैव 44 स्टूडेंट्स। फिर से कौन कौन आया आज? अच्छा तुम सुबह भी आए थे, गुड। आ जाओ, ताने समझ आ रहे हैं? तानिया रखवाल तुम ही हो? यस मैम। अरे भाई बच्चों तालियां बजाओ भाई, इसके लास्ट टेस्ट में टॉप नंबर आए हैं, क्लैपिंग करो भाई, गुड जॉब। मैं आज ही तुम्हारी टेस्ट देख रही थी, तो तुम्हारे यू आर द टॉपर इन बोथ द बैचेस, गुड। मतलब इसने लड़के लड़कियां सारी पछाड़ के रखी है, शाबाश, बहुत अच्छा परफॉर्म किया तुमने। चल आ जा फिर, अब सुन ले, ये नहीं कि सो जाए। देखो ये जो हाथ है, इस हाथ पे हो गई उई, कोई मतलब चोट लग गई, होती है तुम्हें भी। यो मैम, जब हाथ पर उई होगी तो वहां के टिश्यूज इंजर हुए ना, तो टिश्यू ये कहते हैं हम लेंगे बदला, ठीक है? ये कहते हैं हम तो बदला लेके मारेंगे। तो इसके टिश्यूज, टिश्यूज आर नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स ना, वो रिलीज करने लग जाते हैं केमिकल जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है? जहां पर इंजरी होती है वहां पर भागकर कौन आएगा? वहां पर भागकर आने लग जाएंगे ये ना, जी वहां पर भाग कर कौन आने लग जाएंगे? प्लेटलेट्स, ठीक है? और प्लेटलेट्स भी रिलीज करेंगे क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है? तो प्लेटलेट्स ने भी कहेगा कि जाओ बदला लेकर आओ, इसे हील करो, ये जो दीवार गिर गई है इसे दोबारा बनाओ। और इंजर टिश्यू भी कह रहे हैं कि यार भाई दोबारा बना, लीकेज हो रही है ब्लड की, ठीक है? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे जाता है, देखो दोनों केस में, दोनों में थ्रोम्बोप्लास्टिन बना है, ये आगे जाएगा। ये आगे जाके क्या करेगा? ये एक्टिवेट करता है किसको? इट एक्टिवेट्स एन एंजाइम विच इज नोन एज थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। देखो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, यानी इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, लेकिन तुमको इतना ही याद रखना है कि थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है कौन? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये बात समझ आई? यो मैम, ये सिर्फ किसकी प्रेजेंस में हो सकता है? इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा, ऑर्डर याद रखना, सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा, ठीक है? जो जाके एक्टिवेट कर देगा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। अब थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स के दो फंक्शन है। देखो तुम्हारी नसों में जो खून बह रहा है, जो ब्लड बह रहा है, वो लिक्विड होता है या वो कहीं कहीं क्लॉट बनाता है? होता है लिक्विड ही होता है, कहीं क्लॉट नहीं बनाता। अगर क्लॉट बनाएगा तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा, ऐसे तो स्ट्रोक हो जाएगा, है ना? वो तो गड़बड़ होगी। तो दैट ब्लड क्लॉट नहीं होता हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, लेकिन जैसे ही कट लगता है तो ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। यस या मैम। से अगर कोई ब्लड ले रहा है तुम्हारा और उसको वो एक कंटेनर में डाल रहा है, तो उससे पहले उस कंटेनर में वो एक छोटा सा पाउडर सी रखता है, ठीक है? नहीं, ठीक है? कभी पूछना, अगर अभी कभी ब्लड टेस्ट के लिए जाओ तो वो एक से कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में हमेशा थोड़ा सा लिक्विड, एक पाउडर सा डला होता है, दिस इज एक्चुअली हिपेरिन, ठीक है? हिपेरिन क्या करता है? ब्लड को कोएगुलेट होने से बचाता है। तो हिपेरिन का काम क्या होता है? स्टॉप ब्लड कोएगुलेशन। तो तुम्हारे पूरी बॉडी में ना हिपेरिन है जो बेसोफिल सिक्रीट कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं? तुम्हारे ब्लड को जमने से रोकते हैं, ठीक है? अब मेरे को क्या करना है यहाँ पर? ब्लड क्लॉटिंग है ना, यो मैम, ब्लड क्लॉटिंग करनी है, यानी कि मुझे हिपेरिन को इनएक्टिव करना पड़ेगा ना चोट वाली जगह पे। यो मैम, थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जो दो काम करता है। पहला, वो इनएक्टिवेट करता है हिपेरिन को सिर्फ इंजरी वाली जगह पे, पूरी बॉडी में नहीं। तो इंजरी वाली जगह पे हिपेरिन को उसने इनएक्टिवेट करा, इनएक्टिवेट करा मतलब कि अब यहाँ पर ब्लड क्लॉट हो सकता है। और दूसरा काम ये क्या करता है? दूसरा काम ये एक्टिव कर देता है, ठीक है? तो ये एक्टिवेट करता है किसको? एक इनएक्टिव एंजाइम को, विच इज नोन एज थ्रोम्बो प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन इज एन इनएक्टिव इनएक्टिव एंजाइम जिसको कन्वर्ट करता है ये थ्रोम्बिन में। सुना इसके बारे में? यो यो मैम,
देखो नाम तो तुमको सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे, तो मैं धीरे धीरे कुछ याद करने के ट्रिक्स बता सकती हूँ कि जो प्रोथ्रोम्बिन है वो बनता कहाँ पर है, इन लिवर, लिवर में बनता है, ठीक है, बस इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है, इसको एक्टिव कर देता है थ्रोम्बिन की फॉर्म में, इन कौन करता है इसको एक्टिवेट, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन के की, विटामिन के। हाँ अब देखो दोबारा आ रही हूँ, ध्यान से सुनना, चोट लगी उई हो गई, उई होने पर सेल्स ने बोला हम लेंगे बदला, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करो, वहां पर आते हैं प्लेटलेट्स, वो कहते हैं हम भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन जाके एक्टिवेट कर देता है जो प्लाज्मा के अंदर घूम रहा है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इसको एक्टिवेट करता है, ये कॉम्प्लेक्स दो काम करता है, पहला हिपेरिन को इनएक्टिवेट करता है, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिवेट करता है, तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक जगह पे बटन ऑन कर रहा है और एक जगह पे बटन ऑफ कर रहा है, ये बात समझ आई। क्यों अभी जो थ्रोम्बिन होता है ये एक इनएक्टिव फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम फिब्रोजिन कहते हैं, ठीक है, ये इनएक्टिव होते हैं और ये सोल्यूबल होते हैं नेचर में, फिब्रिनोजिन, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजिन को कवर करता है फिब्रिन में, फिब्रिन कैसे होते हैं, एक्टिव फॉर्म है फाइबर्स की और ये इनसोल्यूबल फॉर्म है, तो ये क्या करती है, गुच्छे बना देती है फाइबर के, ऐसे थ्रेड्स बना देती है, ठीक है, ऐसे थ्रेड फॉर्मेशन कर देती है जहां पे चोट लगी, और यहाँ पे सारे आके डेड सेल इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे आपके मरे हुए WBCs है या कोई भी डेड कॉम्पोनेंट है ना आपकी बॉडी का, वो यहाँ पर आके इकट्ठा होने लग जाता है, ठीक है, तो ऐसे आपका बन जाता है इस जगह पे क्लॉट, पपड़ी सी बन जाएगी, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, वुंड। पहले आपका वुंड कैसा बनता है, सॉफ्ट, फिर जब ये वुंड आपका हवा के कांटेक्ट में आता है, कहते हैं ना जब चोट लगी है तो चोट को खुला छोड़ो, यो यस, मैम, तो इन एयर क्या होता है, ये जो वुंड होता है वो हो जाता है हार्ड। हाँ बेटा पूछ। गलती से हो गया था। अच्छा तो इसलिए कहते हैं कि वुंड को अकेला छोड़ो ताकि वो हार्ड हो जाए, दवाई लगा के उसको बिल्कुल बंद कर दोगे तो उसमें सही से वो हार्डनिंग नहीं हो पाएगा, वुंड हमेशा सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा, ठीक है, सो दिस इज हाउ क्लॉटिंग हैपन इन योर बॉडी, समझ जाए, यस मैम, ठीक है, एक बार इसको लिखो फिर इसको रिकॉल करते हैं, दो तीन क्वेश्चन लगाते हैं फिर देखते हैं टाइम बचता है तो हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसे लिखो, इसे लेकिन लिखो अपने हाथों से, ये जरूरी है। मैम, जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम से कन्वर्ट होगा। यस, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम इसको प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेंगे, इस एरो का यस मतलब है कि यहाँ पे एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है। यस मैम।
अभी तक कब बताओगे गैस खत्म होने के बाद नमूने कहेंगे खत्म दोगे मेरे को बताओ फिर दो कौन सा आयन इसेंशियल है फॉर ब्लड क्लॉटिंग क्लोरीन क्लोरीन कैल्शियम और विटामिन के कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट है और विटामिन के इज इंपॉर्टेंट है विटामिन के किसके लिए इंपॉर्टेंट है चलो आगे क्वेश्चन क्वेश्चन लगाए एक बार यो यो मैम रिंग दिख रही है सबको यस मैम क्वेश्चन नंबर देख लेना क्या लिखा है ध्यान से क्वेश्चन लगाओ यू हैव 3 मिनट्स अभी तुम्हारा रिवीजन इसी में हो जाएगा स्टार्ट वन मिनट डन टू मिनट्स लेफ्ट लास्ट वन मिनट बस 30 सेकेंड्स आंसर भी भेजते हैं मैम नहीं बेटा आंखें बंद करियो मैं आंखें बंद करूंगी मेरे को पता चल जाएगी अबे हाँ इतनी मासूम बच्ची थी कैसे जीती हो तुम इस दुनिया में इतनी पापी दुनिया में मैम तो करो आंखें बंद हाँ बेटा जरूर क्लास के बीच में मैंने आंखें बंद कर ली ना तुम क्या तुम्हारे घर वाले नहीं उठा पाएंगे मुझे नींद से यस मैम फोन कर करके मर जाओगे और एक तुम अर्ली मॉर्निंग क्लास में ओए तुम लोगों ने मेरे को उठाना क्यों बंद कर दिया भाई तुमको पता है ना मुझे दिक्कत होती है एक भी बच्चे को नहीं जाती तो तुम्हारी नींद नहीं खुलती है क्या मतलब है अबे टीचर नहीं आएगी तो क्लास कौन लेगा कितनी बार बोला मैंने बी सिंसियर पहले मुझे उठाओ फिर तुम उठो मैम हम उठेंगे तभी आपको उठाएंगे अरे तो तुम एक आंख से उठो पहले मुझे उठाओ फिर तुम उठो ये सोच के कि अब टीचर आ रही है अब जाना पड़ेगा ये अकेले उठ के जो वेट कर रहे हैं क्लास का तुमको शर्म नहीं आती है मैं भी तो वेट करूँ तुम मुझे उठाओ दोबारा ऐसे कोई नहीं करेगा आज मुझे किसी का कॉल नहीं आया उठाने के लिए सोचो मैं ना उठ पाती तो तुम्हें तो पता है मेरी नेचर यस मैम मेरे को मंडे को किसी ने नहीं उठाया अबे मैं भूल गई थी क्लास है मेरे को हिमांशु सर का 10 बजे कॉल आया क्लास ली थी सुबह मैं कब वही मुझे तो याद ही नहीं थी अरे भगवान हिमांशु सर ने मुझे कल रात को भी कॉल करा
मैडम क्लास है आपकी, कल उठ जाइयो। आई एम सो डिसअपॉइंटेड यू, सॉरी तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे नहीं उठाया, मैंने क्लास नहीं ली, देखो सब कुछ गड़बड़ हो गया। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैम अलार्म लगाया करो। तू चुप कर, बाहर निकालो इसको। कौन रिस्पॉन्सिबल है? नेहा पसंद है मुझे इसी बातों की वजह से, समझ जाती है वो, ज्यादा बहस के फायदा नहीं, उठाना है मुझे अगली बार से। ओए तो लेकिन आपकी नींद ही पूरी नहीं होती। नहीं नींद पूरी की बात नहीं होती, आलस नाम की भी कुछ तो नहीं देते हैं। नींद की बात ही नहीं है, आलस है सुबह सुबह मैम आपको दिन में नींद आ जाती है? मेरे को कभी भी आ जाती है, तो 5 मिनट चुप हो मुझे अभी आ जाएगी। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ माय स्लीपीनेस, आई कैन स्लीप एनी टाइम। 15 मिनट की ब्रेक में भी सो सकती हूँ मैं, इसलिए मैं बाहर जाके गाने सुनती हूँ, मुझे मेरे पे विश्वास है पूरा, इतनी शांति है मैं कभी भी सो सकती हूँ। मैम कितने कितने घंटे सो लेते हो आप? मैं सो नहीं पाती हूँ, मेरे पास काम बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सोने नहीं देती, लेकिन मौका मिले तो मैं पूरा दिन सो सकती हूँ। इट इज पॉसिबल मैं मंडे को सोऊं और वेंसडे को उठूं, तो मौका तो दो मुझे। तो जिस दिन मेरे 1,000 करोड़ की लॉटरी लगेगी उस दिन मैं ऐसे करूंगी, तब तक के लिए मुझे उठना पड़ेगा। हंसना बंद करो। मैम आपको भूख नहीं लगेगी? भूख नहीं लगेगी आपको? तो भूख के लिए उठने की जरूरत है? नींद में भी इंसान खा सकता है, मेरे को पता है खाना यहाँ से खाते, मैंने ये डाल लेना आंखें बंद करके। अर्चना टैलेंट ही बहुत है, रुक जाओ बाल खोल के करना पड़ेगा, मजा नहीं आया। एक सेकंड मैम, हमें आज ही लगा पता। यार तुम बेवकूफ हो, तुमको पता ही नहीं है मेरे में इतना टैलेंट है, कब से पढ़ा रही हूँ मैं तुमको। एक सेकंड, 1 2 3। हाँ टैलेंट ही बहुत है मुझमें। भुवनेश्वरी, नेहा, विशाल, दीक्षा, प्रीति, आरुषि, शगुन, कृतिका, रमिता, श्वेता, मीनाक्षी, प्रिया, आंचल, पायल, तनिष्क, ठीक है काफी बच्चों ने रिप्लाई किया, बाकी ने रिप्लाई नहीं किया, तुम्हारी के मैं आरती उतारू है? करते नहीं क्वेश्चन। देखो विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए रिक्वायर्ड था? बहुत बढ़िया, मेरे को पता था, तभी मैंने वो बताने से पहले क्वेश्चन करा दिया। वो मेरे लाल क्या लिखा मैंने यहाँ, प्रोथ्रोम्बिन के नीचे विटामिन के लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ विटामिन के, अगर चेंज में चाहिए होता तो मैं यहाँ लिखती ना है? तो लिखो इसे, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया, वैसे बहुत पुराना क्वेश्चन है पर कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा था इसलिए मैंने करा दिया, ठीक है? कि विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन लिवर, नोट ऐड करो वहां पे, नोट ऐड करो, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन लिवर, लिखो कन्वर्जन के लिए नहीं चाहिए। लिखा? यस। आगे चलते हैं, ये बंद करना पड़ेगा, नेट नोड जाए। कंपेयर टू ब्लड और लिम्फ हैज, लिम्फ के पास क्या होता है? लिम्फ के पास मोर आरबीसी एंड नो आरबीसी, आरबीसी तो नहीं होती और मोर डब्ल्यूबीसी होती, सही बात है। प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन्स, स्मॉल प्रोटीन्स हो सकते हैं, लार्ज नहीं है, तो मोर डब्ल्यू आरबीसी नहीं हो सकती, नो प्लाज्मा नहीं हो सकता, प्लाज्मा होता है, ठीक है? तो विदाउट प्रोटीन्स बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बड़े प्रोटीन नहीं होते, छोटे मोटे तो आ ही जाते हैं, तो ये अच्छी स्टेटमेंट नहीं थी, आंसर वुड बी बी, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्फ, सत्य वचन बताने आपको, तो लिम्फ के अंदर आपको क्या मिलेगा? ब्लड माइनस आरबीसी, हाँ एंड सम प्रोटीन्स, देखो ऑल प्रोटीन्स नहीं लिखा ना, सम प्रोटीन्स लिखा है इसने, तो ब्लड माइनस आरबीसी प्लस सम प्रोटीन्स, राइट? ये तो सबका आंसर भी हो गया भाई, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर सबको? एक सेकंड प्रिया बेटा, समझ आया? ए क्यों नहीं हुआ? मैम वो रिपीट करना, वो सुनाई नहीं दिया। कौन से वाला? मैम ए वाला। ए वाला बेटा, जो विटामिन के होता है ना, विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए यूज नहीं होता, फिर तो मैं यहाँ लिखती ना विटामिन के, विटामिन के सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन के लिए यूज होता है इन लिवर, ठीक है? इसको बनाने के लिए काम आता है, समझ आई बात? योर मैम। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट है
कि लिम्फ के लिए कौन से स्टेटमेंट सही है, कि WBC होता है लिम्फ में, सही बात है, एंड इट ऑल्सो हैज सीरम, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स तो नहीं होते ना लिम्फ में, मैंने बोला था अभी, राइट right? तो स्टेटमेंट तो ये भी सही है, लेकिन ज्यादा बेटर स्टेटमेंट ये थी अगर देखा जाए कि ब्लड है सीरम इज लिम्फ इज व्हाट ब्लड माइनस आरबीसी एंड सम प्रोटीन्स, राइट। तो ज्यादा बेटर स्टेटमेंट ये थी कि इसमें आरबीसी नहीं है, इसलिए हम बी के साथ चलेंगे। वैसे ए भी इनकरेक्ट तो नहीं था कम्प्लीटली, राइट। तो जिसने ए लिखा है वो भी इनकरेक्ट नहीं है, बहुत पुराना क्वेश्चन है तो मे बी तब इतने अच्छे से डिफाइन ना किया हो तो कोई इसका आंसर बनता था, बट अभी के लिए आप बी के साथ जाओगे। ओके ठीक है प्रिया, ये था ना बेटा। प्रमिता समझ आया क्यों ये नहीं है? विशाल यस मैम। ठीक है ठीक है, चलो डाउट वाला पार्ट तो क्लियर हो। हार्ट का स्ट्रक्चर बता दो, कुकु सा छोटू सा मट्टू सा। यस मैम। बेटा दिल है और दिल धड़कता है? यस मैम। तो यही है धड़कता है? यस मैम। बंद कराओ ये दिल है, जहाँ पे चोंच बनी होती है उसको पापा क्या बोलते हैं? एपेक्स, है ना? तो ये जो एपेक्स है वो किस तरफ है? टुवर्ड्स द बेस। देखो अगर हम लंग बनाते हैं तो एक लेफ्ट लंग होता है, होता है ना? यस मैम। और एक हम राइट लंग बनाते हैं तो हार्ट कहाँ होता है? राइट लेफ्ट। देखो डायग्राम एनसीईआरटी का देखेंगे जब हम, तो मेरी लेफ्ट साइड राइट हो जाएगी ना, दिस वुड बी द लेफ्ट And this would be the right ना बेटा। तो हार्ट किस तरफ है? Left. तो लेफ्ट रंग की तरफ है ना, तो इसका जो चोंच वाला पार्ट है ना वो नीचे की तरफ है, ठीक है, बेस की तरफ, ये चोंच वाला, तो एपेक्स यहाँ है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। बहुत पहले कहीं ना किसी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया था नीट का, इसलिए मेरे को क्वेश्चन तो नहीं याद, पर ऐसा आया था, तो याद रखना एपेक्स यहाँ है, क्योंकि हम इस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट का डेफिनेटली दिस वुड बी द लेफ्ट साइड एंड दिस वुड बी द राइट साइड, इसलिए सारी लेबलिंग में आप इसको राइट राइट देखोगे और यहाँ पर आप लेफ्ट लेफ्ट देखोगे, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूँ हार्ट, जब मैं तुम्हें सर्कुलेशन कराऊंगी ना तो ये डायग्राम बहुत इजी हो जाएगा। मैं ये डायग्राम समझाना चाहती हूँ, इस वजह से मैं इसमें ही लेकर आई हूँ, कि जो लेफ्ट साइड होती है ना, यहाँ पे आपके पास आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऊपर बना लो लंग्स, ठीक है। तो लंग्स से जो साफ खून आ रहा है ना ऑक्सीजन से भरा हुआ, वो यहाँ आता है, किसमें आता है? वो आता है पल्मोनरी वेन्स में, किसमें आएगा? पल्मोनरी तो वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है कि जो लंग से आ रही है हमारे पास नसें वो वेन्स है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन से ब्लड यहाँ एंटर होता है, राइट। वो जाता है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम की तरफ, ये छोटा सा जो छेद है, अरे लाल कलर से दिख गया, लेफ्ट एट्रियम की तरफ, यहाँ से फिर वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, और यहाँ से पंप होके बाहर निकल जाता है। बाहर किसके थ्रू निकलता है? थ्रू दिस आयोटा, दिख रहा है आपको? आयोटा से क्या होता है, ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी में, बॉडी, तो पूरी बॉडी में आयोटा ब्लड सप्लाई करती है। तुमको दिख रही है छोटी छोटी एक्सटेंशन निकल रही है आयोटा की? यस मैम। रिपीटिंग सारी जगह ब्लड देती है तुम्हारी बॉडी में, पैरों से लेकर सिर से लेकर आर्म से लेकर हर जगह, ठीक है। तो आयोटा सब सारी जगह पर ब्लड सप्लाई करती है। अब सारी जगह से ब्लड लेके जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन ले लेता है, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वापिस हार्ट में आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वापिस हार्ट में किसके थ्रू आता है? थ्रू वीना कैपस, ये ऊपर की तरफ है ना, तो जो ऊपर की तरफ है उसको बोलते हैं आपा, ये वाली वीना कावा को बोलते हैं हम सुपीरियर। कौन से पेज नंबर पे डायग्राम है? 283, ठीक है। ये जो नीचे वाला है दिस इज ए इनफीरियर वीना कावा, लिख लो वीना कावा, ठीक है। सुपीरियर वीना कावा, इनफीरियर वीना कावा, इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये लेफ्ट सॉरी राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है, और फिर यहाँ से उछल के जाता है बाहर, और बाहर किसके पास चला जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। देखो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर लेवल है, लेकिन गलत मत समझ लेना, यहाँ से जा रहा है ब्लड इस वाली आर्टरी में, तो पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स की तरफ चला जाता है, समझ आई? बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है ये, मैं तुम्हें ब्लॉक्स में बनाऊंगी तो ज्यादा समझ आएगा, बस ये डायग्राम की लेबलिंग तुमको बता रही हूँ कि ये वाला कैसे हुआ, ठीक है। टाइम कितना बचा? 3 मिनट। चलो अब मैं तुमको कल कार्डिक साइकिल कराऊंगी ना, तब तुमको इसमें मजा आएगा, ठीक है जी। मैं पोल लॉन्च कर दूं? यो यो मैम। पोल करो, किसी को डाउट है वो रुको, बाकी बच्चे जा सकते हैं।